बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले एक पोल स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आप लोग से पूछा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। उसमें मैंने आप लोग को तीन ऑप्शन दिए थे, जिसमें से नंबर वन था गिटार टैब्स, नंबर टू गिटार कॉर्ड्स एंड नंबर थ्री जो था बेसिक लेसन्स। तो जो आप लोग की वोटिंग आई थी वो आई थी 29% गिटार टैब्स के लिए एंड 27% बेसिक लेसन्स के लिए एंड 43% आई थी गिटार कॉर्ड्स के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों की वोटिंग के अकॉर्डिंग ही लेसन बनाता हूं और वीडियो अपलोड करता हूं, तो इसी तरह से आप लोग पोल पे मेरे वोट करते रहा करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है एंड उस पर वोट जरूर किया करिए। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं समझावा फ्रॉम द मूवी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया संग बाय अरिजीत सिंह, जिसके हम लोग करेंगे गिटार कॉर्ड्स जो कि बहुत ईजी है एंड सारी कॉर्डें ओपन में है, तो इसे बिगनर भी ईजिली प्ले कर सकते हैं एंड इंटरमीडिएट भी ईजिली प्ले कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। हेलो एवरीवन, तो लेसन स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इसके स्ट्रमिंग पैटर्न से, जो कि बहुत ईजी है और आप लोग इजिली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्ट्रमिंग को सबसे पहले मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, डाउन अप चक अप अप चक। ओके, तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, डाउन अप, इसको म्यूट भी बोल सकते हैं एंड चक भी बोल सकते हैं, ऐसा प्ले करना है कि साउंड ना आए इसका। तो डाउन अप चक
अप देन अप चक डाउन अप चक अप अप चक। इसको आप लोग काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लोग काउंट करके करेंगे तो आप लोग बहुत ईजिली इसको कर पाएंगे। ओके तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे डाउन अप चक अप अप चक डाउन अप चक अप अप चक। चक है ना, इसका साउंड प्रॉपर आना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल फास्ट इसको नॉर्मल स्पीड में प्ले करेंगे जिस पे ये गाया गया है। अब हम लोग चलेंगे इसकी कॉर्ड की तरफ और देखेंगे इसमें कॉर्ड कौन कौन सी यूज हुई है। तो अब हम लोग आ चुके हैं इसके फ्रेट साइड, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉर्ड कौन कौन सी यूज हुई है। तो उसमें जो मैंने फर्स्ट कॉर्ड यूज करी है वो है डी मेजर। ओके इसको प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी मेजर को प्ले करने के लिए फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर देन थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर। दिस इज डी मेजर। एंड उसकी सेकेंड कॉर्ड है वो है ए मेजर। और ए मेजर को प्ले कर कैसे हम लोग करेंगे इसकी मैं पोजीशन बता देना चाहता हूँ जो इनको नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगनर है। इस पोजीशन को प्ले करने के लिए हम लोग रखेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर मतलब पिंकी फिंगर को एंड थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पर रखेंगे थर्ड फिंगर इट मीन रिंग फिंगर एंड फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पर रखेंगे सेकेंड फिंगर मिडिल फिंगर। दिस इज ए मेजर कॉर्ड। और जिसमें थर्ड मैंने कॉर्ड यूज करी है, जो लोग बार प्ले कर लेते हैं जी में वो ऐसे प्ले कर सकते हैं और जो बिगनर हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ जी कैसे प्ले कर सकते हैं। आपको रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर इज इट जी मेजर। एंड जो इसमें बीच में यूज हुई है अंतरा के लिए उसमें मैंने यूज किया है बी माइनर। तो अगर बिगनर बी माइनर नहीं लगा पाते हैं तो इसकी जगह पे आप लोग सिर्फ डी मेजर भी होल्ड रख सकते हैं, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं बी माइनर पे। जैसे अंतरा में यूज हुआ है तो इसमें जो है तो जिस जो बी माइनर लगा पाए तो अच्छी बात है, जो बी माइनर नहीं लगा पाता वो लगा सकता है डी मेजर को ही होल्ड रख सकता है। एंड मैं बी माइनर का भी एक शेप बता देता हूं ताकि जो लोग प्ले करना चाहें वो प्ले कर सकते हैं। तो इसको प्ले करने के लिए हम लोग रखेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर देन सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर एंड थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर एंड फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर। दिस इज बी माइनर। और इसको हम लोग यहाँ ऊपर से म्यूट कर लेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऊपर से थंब से म्यूट कर लेंगे तो ये बन जाएगी बी माइनर। ओके तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड अगर आप लोग कोई भी रिक्वेस्ट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे उस पर DM कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।